हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बी ए सेकेंड ईयर. 149 एक्सरसाइज वी हैव डन टुडे, विल डू 150th एक्सरसाइज, है ना. इसमें क्या है, प्लीज़ ओपन योर ऑक्सफोर्ड ग्रामर. घर पे भी आपको ऑक्सफोर्ड ग्रामर के बिना नहीं पढ़ाई करनी है ना. जैसे क्लास में हमेशा मैं ऑक्सफोर्ड ग्रामर जिनके पास नहीं होती थी क्लास से बाहर भेज देती थी, तो सेम वे वुड बी हियर. पहले अपनी ऑक्सफोर्ड ग्रामर है वो लेके आओ, ओपन कीजिए 150 एक्सरसाइज. यहाँ पे हम तीन वर्ड्स पढ़ रहे हैं. कौन कौन से हैं? बट, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ. देखो, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन. ओके, ऑल्दो मतलब फिर भी, इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद. ओके, बट का मतलब है लेकिन, ऑल्दो का मतलब है फिर भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब है इसके बावजूद. ओके, थ्री वर्ड्स आर हेयर जो हम पढ़ेंगे. जो पहले, सबसे पहले वर्ड है, दैट इज योर बट. ओके, बट देखिए कैसे हम लगाते हैं. बट हम सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए लगाते हैं. वी ज्वाइन सेंटेंस बाय यूजिंग बट. ठीक है, बट हम सेंटेंस को यूज करने के लिए लगाएंगे, जोड़ने के लिए लगाएंगे. लाइक सेंटेंस है, द कैफे वॉज क्राउडेड बट वी फाउंड अ टेबल. द कैफे वॉज क्राउडेड बट वी फाइंड अ टेबल. इसमें देखो, जब आपका बट लग जाता है ना, वो क्या होता है, जो पहला सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस उसके ऑपोजिट हो जाता है. कैफे क्या था? क्राउडेड था, यानी भीड़ थी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें टेबल मिल गया. यहाँ पे ये सेंटेंस इससे ऑपोजिट हो जाएगा. कैफे में बहुत भीड़ थी, इससे क्या हमें पता चल रहा है? कैफे में अगर भीड़ थी इट मीन्स हमें नहीं सीट मिलेगी, यही लग रहा है ना. लेकिन कैफे में भीड़ थी बट वी फाउंड टेबल. इसमें क्या होता है, जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के ऑपोजिट हो जाता है. सिचुएशन को हम ऑपोजिट कर सकते हैं. जैसे हम कह सकते हैं, शी डिड हार्ड वर्क बट डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, है ना. ये देखिए, बट हम पे लगा देते हैं. शी डिड हार्ड वर्क but didn't get good marks. अब देखो, उसने बहुत मेहनत की, इसका रिजल्ट ये लग रहा है ना, पास हुई होगी, but didn't get good marks, फिर भी उसे अच्छे नंबर नहीं मिले. ओके, यानी फर्स्ट सेंटेंस है वाक्य, सेकेंड सेंटेंस की क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, तब हम लगाते हैं बट. और सेंटेंसेस है ना, जैसे निक हैज अ कार, निक के पास कार है, बट ही डजंट ऑफन ड्राइव इट, लेकिन वह उसे चलाता नहीं है, अक्सर नहीं चलाता है, है ना, कभी कभी चलाता है, ओकेजनली. निक हैज अ कार बट ही डजंट ऑफन ड्राइव इट, उसे अक्सर नहीं चलाता. सो बट का तो ये यूज हो गया, मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट आइए आप ओल्डो को. बट मतलब है लेकिन, अब ओल्डो का मतलब क्या है? ओल्डो मतलब है फिर भी, है ना, फिर भी. ओल्डो का मतलब क्या है? फिर भी. बी पार्ट पे देखिए, पहले तो बी पार्ट देखिए, बट एंड ओल्डो. ओल्डो में देखिए क्या लगेगा, जो ओल्डो वर्ड है वो भी बट की तरह ही काम करता है. लाइक ओल्डो द कैफे वॉज क्राउडेड वी फाउंड अ टेबल. ओल्डो द कैफे was crowded, we found the table. Got it? Although, जबकि कैफे क्राउडेड था फिर भी हमें टेबल मिल गया. बट की तरह ही काम कर रहे हैं, बस जो बट है वो सेंटर में लगता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए. जो ओल्डो है आपका स्टार्टिंग में भी लग सकता है और एंड में भी लग सकता है, है ना. ऑल्दो द कैफे वाज क्राउडेड, यानी जो पहली क्लोज है उसके स्टार्टिंग में, या फिर ये दूसरी क्लोज के
working, starting में भी लग सकता है. Although the cafe was crowded, we found a table. Although Nick has a car, he doesn't often drive it. है ना, the close with although can come at the end, end में भी आ सकती है. जैसे कि we found a table, although the cafe was crowded. ऐसे भी लगा सकते हैं, we found a table, although the cafe was crowded. यानी ये वाली जो आपकी क्लोज है ये एंड में भी आ सकती है, लेकिन बट है वो बिल्कुल बीच में ही लगेगा. Although है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में भी लग सकता है और सेकेंड क्लोज की स्टार्टिंग में भी लग सकता है, यानी एंड वाली क्लोज की स्टार्टिंग में भी लग सकता है. सो although ऐसे यूज होगा, लेकिन बट ऐसे नहीं होगा, बट बीच में यूज होगा. ओके, यानी वैसे बट और although का मीनिंग काफी हद तक सेम हो गया. नेक्स्ट देखिए आप सी पार्ट, दो एंड इवन दो. दो इवन दो बोथ हैविंग सेम मीनिंग. जो इवन दो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. पढ़ा था ना मैंने विश, इफ ओनली. इफ ओनली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विश से, वैसे ही है दो और इवन दो. टू वर्ड्स आर देयर. जो इवन दो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना. दो इज इनफॉर्मल एंड इट मीन्स ऑल दो. जो दो है थोड़ा सा आपका वैसे इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है. जो ऑल दो है वो आपका फॉर्मल है, ज्यादा ये यूज होता है ऑल दो. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बता दिया. दो ऑल दो दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन जो दो है ये इनफॉर्मल है, ऑल दो फॉर्मली यूज होता है. और फिर दो और इवन दो में जो इवन दो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, दो ऑल दो एक जैसे लग जाएगा. आई लाइक द स्वेटर, आई डिसाइडेड नॉट टू बाय इट. जबकि मुझे स्वेटर पसंद था, फिर भी मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं इसे ना खरीदूं. जो दो है वो भी वैसे लग जाएगा सेंटेंस के एंड में. आई लाइक द स्वेटर, आई डिसाइडेड नॉट टू बाय इट दो. ओके, जो ऑल दो था उसका तो यूज पढ़ लिया ना, एक तो फर्स्ट क्लोज की स्टार्टिंग में या सेकेंड लास्ट वाली क्लोज की स्टार्टिंग में. जो दो है वो बिल्कुल सेंटेंस के एंड में भी लग सकता है. I like this sweater. मुझे स्वेटर पसंद था. I decided not to buy it. तो फिर भी मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं इसे बाय मत करूं, परचेज मत करूं. इवन दो क्या है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑल दो से. है ना, मैथ्यू लुक्ड क्वाइट फ्रेश इवन दो ही हैड बीन प्लेइंग स्क्वैश. मैथ्यू क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है, इसके बावजूद कि वो काफी टाइम से स्क्वैश खेल रहा था, गेम खेल रहा है. हाँ, खेल रहा था. Even though you dislike Jessica, you should try to be nice to her. इसके बावजूद कि आप जेसिका को नहीं पसंद करते, you should try to be nice to her. फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके साथ आपका बिहेवियर नाइस रहे. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया. बट हमने पढ़ लिया ऑल दो, पढ़ लिया ऑल दो और दो में डिफरेंस, पढ़ लिया दो और इवन दो में पढ़ लिया. है ना, जो आपका इवन अकेला दो है वो एंड में भी लग जाएगा सेंटेंस के बिल्कुल एंड में, नो नीड ऑफ क्लोज. है ना, इवन दो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑल दो से, और इवन दो है बिल्कुल स्टार्टिंग में या फिर जो नेक्स्ट क्लोज है उसकी स्टार्टिंग में लग जाता है इवन दो. आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, ये वाला डी में. अब देखो ये जो इन स्पाइट ऑफ है और डिस्पाइट है, इनका भी मीनिंग सेम है. इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, ये दोनों भी सेम ही, एक्चुअली ये सभी सेम मीनिंग के हैं, बस इनका यूज थोड़ा सा लगे कि सेंटेंस में हम यूज कैसे करेंगे. जो इन स्पाइट ऑफ है ये पूरा ऐसे ही लगेगा और डिस्पाइट अकेला लगता है. इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद, डिस्पाइट इसके बावजूद, दोनों का मीनिंग सेम है. डी पार्ट में देखिए, किटी वॉन्टेड, लेकिन बस ये है कि इन स्पाइट ऑफ है और डिस्पाइट है जो वो कब आते हैं, बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आते हैं या बिफोर द आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर जो आई एन जी फॉर्म है वर्ब की जो कॉन्टिन्यूज में होती है उसके पहले लगेंगे. अब देखिए, किटी वॉन्टेड टू रिपोर्ट ऑन द वो इन स्पाइट ऑफ द डेंजर. डेंजर क्या है, इज योर नाउन. सो नाउन के पहले आपका इन स्पाइट ऑफ लग गया. है ना, किटी वॉन्टेड टू रिपोर्ट ऑन द वॉर. किटी रिपोर्ट के बारे में, वॉन्टेड टू रिपोर्ट ऑन द वॉर. है ना, किटी क्या चाहती थी, करना चाहती थी, रिपोर्ट करना चाहती थी वॉर पे, इसके बावजूद कि उसे पता था कि डेंजर है. मार्क वेंट ऑन वर्किंग इन स्पाइट ऑफ फीलिंग अनवेल. मार्क काम करता रहा इसके बावजूद कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, यानी वो बीमार था. सो वी यूज डिस्पाइट इन एग्जैक्टली द सेम वे. डिस्पाइट भी हम इन स्पाइट ऑफ की तरह ही यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. शी वॉन्टेड टू गो डिस्पाइट द डेंजर.
इसके बावजूद कि डेंजर था वो जाना चाहती थी. ही वेंट ऑन वर्किंग डिस्पाइट फीलिंग अनवेल. बस इन स्पाइट ऑफ, ये इकट्ठा लगेगा, डिस्पाइट अकेला लगेगा. अब आप देख सकते हैं कि जो डिस्पाइट है और इन स्पाइट है दोनों के, देखिए एक तो वर्क की आई एन जी की फॉर्म के पहले भी लगा हुआ है, जैसे इन स्पाइट ऑफ फीलिंग, फील के साथ आई एन जी, डिस्पाइट के साथ भी डिस्पाइट फीलिंग अनवेल, यानी या तो ये वर्ब की आई एन जी के पहले लगेगा या फिर ये नाउन के पहले लगेगा. लाइक इन स्पाइट ऑफ द डेंजर, डेंजर इज अ नाउन, और वहां पे क्या है डिस्पाइट द डेंजर, है ना, नाउन के पहले लगेगा. सो डी पार्ट आपका हो गया. अब आप ई पार्ट देखिए इसका, इसी एक्सरसाइज का 150th का ई पार्ट देखिए. ई में क्या है, इन स्पाइट ऑफ और ऑल दो. In spite of, although, दोनों का मीनिंग वैसे सेम है ना, जैसे in spite of, इसके बावजूद, I am no better in spite of the pills, या फिर in spite of taking the pills. देखो अब हमने ये चीज पढ़ी है ना, in spite of the pills, तो आ गया noun के पहले in spite of लग गया, और in spite of taking, take क्या है, verb की form है, उसके पहले ing साथ में लग गया, उसके पहले भी in spite of लग सकता है. ओके यही पढ़ा ना ऊपर हमने, I am no better in spite of pills. I am no better in spite of taking the pills. दूसरी जगह क्या है, I am no better although I have taken the pills. ऐसे भी लग सकता है, although I have taken the pills, I am no better. ऐसे भी लग सकता है ना, ये चीज भी हमने पढ़ी ना, although वाला पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है. Laura wanted to fly in spite of her fear. हर फियर क्या है, noun है, noun से पहले in spite of लग गया, और in spite of feeling afraid. फीलिंग अगेन वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी है, उसके पहले भी लग गया. लोरा वॉन्ट्स टू फ्लाई ऑल्दो शी फील्स अफ्रेड, ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल्दो शी फील्स अफ्रेड, लोरा वॉन्टेड टू फ्लाई. सो इट वॉज योर एक्सरसाइज. वी कैन यूज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इन द सेम वे एज ऑल्दो, है ना, इन स्पाइट ऑफ और ऑल्दो दोनों का मतलब भी सेम है. आई एम नो बेटर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव टेकन द पिल्स, ठीक है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट लगा सकते हैं आप ऑल्दो की जगह पे. So it was your exercise. It's very easy. बस आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा practice करनी है, और इसका जो part है third part is very important. ये कर लीजिएगा. Fifth part is also very important. वैसे तो full exercise आपको 150th full fill करनी है, लेकिन जो इसका third part है और fifth part है, that is very important. So students, thank you. Please watch these videos because we are doing hard work only because of you. है ना, आपके लिए कर रहे हैं. Daily की ये videos आप देखिए और comment box में अपना roll number लिख दीजिए. थैंक यू वेरी मच.